नामुमकिन। दोस्तों, क्या आपको वो टाइम याद है जब बेन को अंडरटाउन के बारे में पता चला और पूरे बेलबूड को भी? तब वो सब एकदम से शॉक्ड हो गए और उनके मन में भी वही सवाल आया जो अभी आपके मन में भी आ रहा है कि अंडरटाउन में एलियंस कब से रहने लगे और इन सब के बारे में बेलबूड वासियों को क्यों पता नहीं था। तुम्हारे ख्याल से ये अंडरटाउन शहर कब से है? इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले आइए अंडरटाउन के बारे में जानते हैं। अंडरटाउन एलियंस का एक ऐसा शहर है जो पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे है। यह कई प्रकार का एलियन प्रजाति रहते हैं और नीचे पनपते हैं। पर एलियंस यहाँ कैसे आए? क्या आपको याद है मेंटेन डिस्ट्रॉय और एलियंस में हमारा वेबिक और इविल वेबिक के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि बेल्लूर शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और बेल्लूर शहर का ये हिस्सा पूरा तहस नहस हो जाने के वजह से इसका रिकंस्ट्रक्शन के लिए कुछ एलियन लेबर्स को सीक्रेटली आर्थ में बुलाया गया, जिन्होंने इंसानों के मुकाबले बहुत तेजी से बेल्लूर शहर का रिकंस्ट्रक्शन किया और जल्दी से बेल्लूर को एक रहने लायक शहर बना दिया। उस समय जो एलियन लेबर्स वहाँ काम करते थे वो सब अपने फैमिली के साथ कैंप बनाकर या फिर केव्स में रहने लगे और धीरे धीरे करके वहाँ एलियंस का एक शहर बन गया जिसे अंडरटाउन कहा गया, जो कई साल तक इंसानों की नज़र से छुपी हुई थी। और जब इंकर्जेंस ने धरती पर अटैक करने की घोषणा की तब अंडरटाउन के लगभग सभी एलियंस डर कर अपने होम प्लैनेट्स की ओर भागने लगे। इंकर्शन आ रहे हैं। और तभी अंडरटाउन की सच्चाई रिवील हुआ। तो यही तक ही थी अंडरटाउन के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी ऐसे ही और एक ऑसम टॉपिक के साथ। वो प्रतिभासी जो यूनिवर्स को बचाते रहता है, आज ये है हमारा चंपा जूनियर।